पुराना कर दिया, पुराना आया था रवि भाई, वो पुराना लिया साड़े ने, अभी खोला आपके सामने। अरे मैं कर दिया इसमें, पुराना था ये देख लो पुराना आयो। लो भाई एक्टिवेट हो गया, ठीक है हमारा काम यहीं तक था रवि भाई। हम जिसका 140 का टारगेट मिला था, तुम्हारे भाई ने 14 बॉल पे 47 रन ठोक दिए, 7 छक्का 1 चौका, विकेट जीत गए हम, 3-4 विकेट गिरे, छक्का में गिरी विकेट नहीं, विकेट गिरती ना, तो जीत गए भाई मैच हम, बढ़िया अपने सक्सेसफुली जीत गए। बैटिंग आई मेरी तीसरे नंबर पर, 14 बॉल में 47 रन ठोक दिए और मैच हो गए फिनिश, हम जीत चुके हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं है। अब चलते हैं ग्राउंड में, मैं कुछ खाने के लिए सोच रहा था पर कुछ दुकान मिली नहीं मेरे को, मैं थोड़ी बोल रहा था स्ट्रिंग में कुछ एनर्जी ड्रिंक पीता पर वो मिली नहीं मेरे को, पर मैच जीतने मजा आ गया भाई। अपनी स्कॉर्पियो को लेकर इसमें अलाइनमेंट की थोड़ी दिक्कत हो रही है, पापा को मेरे को बोल रहे थे कि स्पीड में पूरी गाड़ी ऐसे ही चल रही है, तो मैं भाई के पास ले आऊँ जहाँ मैं आता हूँ हमेशा ना भाई, तो कर दो यार सिस्टम है कोई, देखते हैं भाई हम क्या दिक्कत रहती है क्या नहीं, अभी भाई करेगा या नीचे जाकर अलाइनमेंट विकेट बट जल्दी जा रहा है यार। सर्विस सर्विस अभी अभी सर्विस भी ना आई अभी तक, अभी कुछ दिन पहले सर्विस हुई है, कुदा देते होंगे गाड़ी भी ऐसी कुदने वाली है ना, वैसे ही है ना खेत खाता मैंने चला, पापा कुदा डोला यार तेन कह रहा पापा मेरे तो अभी कि बस 6 स्पीड पे तो पूरी गाड़ी ऐसे हिल रही है, मैं चलो कोई ना अभी अलाइनमेंट करने चले जाएंगे क्या दिक्कत आ रही है। तो गाइस देख लीजिए यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है, मैं पिछली बार भी यहीं कराई थी अपनी फॉर्च्यूनर भी, अभी भाई चेक कर रहे हैं देखते हैं क्या इसमें गड़बड़ी पाती है, नहीं तो टायर नु कह रहा इन्हें चेक करो, नहीं तो टायर ने खा जाएगी 10 दिन में, मैं भाई करवा देंगे पापा जी, क्या बात कर दी आपने, टायर कैसे खा जाएगी ऐसे। अभी मैच खेल का आया हूं, सीधे नहा धो के यहाँ को अब जा रहा हूँ कटारे के पास, कटारे के पास फ़ोन लेना है अपना, तो भाई कटारे के पास फ़ोन लेना है, फ़ोन चार्ज डिब्बा तो वहाँ मिल नहीं सकता, उनको बता दो डिब्बा नहीं मिल सकता, एंड जो अपने रिफंड के पैसे मिलेंगे वो भी लेने, तो बस अब कटरा घर जाना पड़ेगा मेरे को, मैं उसको बोलता ही दे दियो फ़ोन यार, बट उसने नहीं दिया, कोई नहीं आ जाऊँगा फ़ोन ले आऊँगा फटाफट जाके, फिर सीधे घर ही आऊँगा फ़ोन लेके, और कुछ काम नहीं, क्योंकि मेरे को रेस्ट करना ज़रूरी है, मेरे को गेम खेलने में मज़ा आ, मैच खेलने में भाई मैं सीधे जाता नहीं, पहली बॉल स्टार्ट होगा, पहली बॉल तो मैंने हाँ पहली बॉल तो डिफेंड करी एक रन लिया, फिर उसके अगले ओवर में चौका छक्का लगातार 3-3 छक्का मारे, मतलब मैंने 14 बॉल खेल कर उसमें 47 मारे, हमें कोई नहीं पता था रन कितने मेरे, कितने रन हो गए मेरे, पहले वो बॉल भी मैंने छक्का मारने चक्कर में आउट हो गया, नहीं तो छुट्टी बन जाती अगर मैं थोड़ी देख लेता 47 रन बने हर बार। मैं आ चुका हूँ भाई, अभी बताऊँ कहाँ पे हूँ मैं, अभी फिलहाल कटारे के घर के पास जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को फ़ोन लेना था ना, फ़ोन कटारे के पास है, फ़ोन लेके फिर अपने घर के लिए निकल जाऊँगा, बट कटारा सो रहा है भाई हद है, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही भाई, कल रात को आ गया था तो यार नींद पूरी जानी चाहिए थी उसकी, बट चलो कोई नहीं, उसने बोला था कि भाई 4:30 बजे आ जाइए, तो 5 बजे आ जाए मैं उसके घर पहुँचने वाला हूँ, उसके बाद फ़ोन लेके सीधा मैं अपने घर कर रही फेस की वो करवानी है अलाइनमेंट, उसके पास अभी एक बंदा नहीं था, दो बंदे नहीं थे, मतलब जब वो करता ना वो नहीं था, वो बोला था मैं थोड़ी देर में आऊँगा भाई, तो मैं इतना आ जा रहा, मैं चल इतना फ़ोन ही ले आऊँगा यार, मैं इतना फिर मैं वेट करूँगा, मैं इतना मैं फ़ोन लेने जा रहा हूँ आपके। हेलो भाई, तो अपना फ़ोन आ चुका है, कटारे भाई क्या हाल है आपके, बहुत दिन बाद दर्शन, कटारे भाई के बहुत दिन बाद दर्शन भाई, कटर भाई को मैंने भाई उठा दिया, जल्दी फ़ोन किया इसके पास, कम से कम 5-6 फ़ोन जब भी ना उठाए तो मुझे तो घर ही पहुँचूगा, क्योंकि मुझे फ़ोन लेना ज़रूर था अभी, ये अपना फ़ोन रखा, ये बिल है, ये लीड है, और ये वो सिस्टम है। तो कटर भाई आगे मोच दुबई में आपको कैसी मोच आ गई मनाली में भाई, मैं तो मनाली में बेगल तो खुद होगा भाई, हम तो गए जानो बर्फ में, पर हमारी गाड़ी की दिक्कत आ गई, अच्छा क्लिच पेट में दिक्कत आ गई, तो हम वहीं तक आना फूकी नो, मतलब दिक्कत आ गई, तो क्या हुआ सुनो, उसे गाड़ी हम चढ़ा रहे ना पहाड़ पर वहाँ जा रहे अटलन, तो गाड़ी ऐसे फर्स्ट गियर में ना इतनी ऐसे हिल रही पूरी, तेरी कसम भाई, इसलिए अपने गाड़ी फिर लेके ना गए हम, पर अपना कम से कम 4-5 दिन तो काटे, 2 दिन शिमला, 2 दिन हो फिर वहाँ गए भाई नेगी वाला कैंप ना, फिर वहाँ रुके आती पर नीचे देखो भाई, ये क्लिप देख लो यूरे, यहाँ भी देख लूँगा डाल दूंगा यहाँ भी है ना। तो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं, निकल रहा हूँ पैसे फ़ोन लेने के लेके सीधा वहाँ, तो गाइस कटारे के घर से निकल के अब जा रहा हूँ मैं, वो करवाऊँगा इसकी बैलेंसिंग अलाइनमेंट दोनों चीज़ होगी, तो उसमें टाइम लगेगा कम से कम आधा घंटा, तो पहले वो कराऊँगा, और जो फ़ोन मेरा ये रखा है 14 प्रो 256 GB,
ये मैंने मंगाया था जो दुबई से, इसकी सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँ कितने का दुबई से पड़ा और इंडिया में कितने का, सब कुछ एक्सप्लेन करूँगा ढंग से, और क्या क्या सीन बना था क्या नहीं, बिल बिल मेरे पास सब कुछ रखा कितने गर्म का वहाँ पे, कितना का पड़ा कितना का नहीं, सारी चीज़ बाद में समझाऊंगा बिल के साथ। अब एक बार घर पहुँचाऊँ जल्दी से, घर नहीं पहुँचना मतलब पहले ये करवा लूँ क्योंकि उसमें टाइम लगेगा मेरे को बैलेंस में अलाइनमेंट में। वो बोला था कि भाई आप पहले एक बार फ़ोन लिया, क्योंकि मैं अगर उसमें आधा घंटा रखता ना तो मैं फ़ोन थोड़ा लेट हो जाता यहाँ पर, क्योंकि और जाम लग जाता, थोड़ा थोड़ा कम जाम लग रहा है। अब जल्दी से पहुँच के वो करवा के उसके बाद फिर आराम से घर बैठ के समझाऊंगा कि अलाइनमेंट बैलेंसिंग किस टाइप की, किस टाइप की किस कैसे होगी, वो तो ठीक है बट इसके बारे में, फोन के बारे में बाद में समझाऊंगा, फोन कितने का मंगाया कितने का। ये टायर आ गया अपना स्कॉर्पियो का, बाहर निकाल ले भाई, क्या बैलेंसिंग हो रही नहीं? हाँ जी सर। दिक्कत क्या आई थी इसमें, मतलब इसमें गाड़ी बबलिंग कर रही थी, बबलिंग कर रही है ज्यादा, और सिक्स स्पीड पे बाहर बबलिंग कर रहे हैं, तो भाई इसकी बैलेंसिंग हो रही है, ये बैलेंसिंग होती है ऐसे, सारे टायर सारे टायर निकलेंगे एक एक करके जब इन्हें यहाँ पे बैलेंसिंग है, उसके बाद बैलेंसिंग ऐसे हुआ बैलेंसिंग भाई, मतलब क्या दिखाई अभी उसमें मीटर में, मीटर में दिखाई कितनी, एक तरफ 65 दिखा रही है। हाँ तो सही है, गलत है, खराब है, ये खराब है। अब कितनी हो जाएगी अभी, अभी हम अलॉय व्हील पे कर दिए, हम दोबारा घुमाओगे, देख लो गाइस ये घूम रही, ऐसा हो गया बैलेंसिंग, हमें आज तो मेरे को पता चल गया बैलेंसिंग ऐसे होती है, मेरे को नहीं पता था क्या सीन है इसका। लो भाई आगे देखना, अब ये भी 65 आ रही है, अब इसका जो पुराना वेट है वो निकालेंगे, पुराना वेट कैसे मतलब, जैसे ये ये क्या है, ये वेट है, ये तो तुम ही लगाते होगे इनको, हाँ जी, अभी तो नया लगाओगे, हाँ इसको उठा के, हाँ फिर घुमाओगे, हाँ इसके बाद फिर वैसी होगी, अब दोबारा बैलेंसिंग करोगे इसकी इनका हटा के, अब कितना आएगा इसका, आपको मशीन बताएगी आपको। चलो भाई गाइस मशीन देखते हैं मशीन में क्या आता है, इसने वो हटा दिया भाई, तो हम भी मशीन पे बैठे हैं आज, ये देखो भाई अब 35 आई है, 35 ग्राम है, 35 ग्राम, 35 ग्राम आई है, जी। तो अब तुम नहीं लगाओगे, जी। कहाँ है दिखाना है, ये होती है भाई, जी। इससे क्या होता है मतलब गाड़ी कैसे, टायर इससे एक तरफ अपना जैसे स्टीयरिंग अपना छोड़ के तो स्टीयरिंग हिल रही है, उससे स्टीयरिंग नहीं हिलेगा, अच्छा चल लगा दो तो लगा दो, अब सारे टाइम लगेगी, नहीं आगे दो टायरों में होगी भाई, ये देख लीजिए सब बैलेंसिंग हो चुकी है इसके, एक टायर की फिर पीछे ये वाला लगेगा, उसके बाद फिर वो दोनों निकलेगी, तो चेंज करा दें। पर जा रहा हूँ मैं क्रोमा, क्रोमा में एक सामान पूछ रहे हैं मेरे को, एक फ़ोन है 14 एक दोस्त को चाहिए, तो पूछ रहा था एक बार पूछ रहे हैं क्रोमा में क्या सीन है क्या नहीं, ये देख लीजिए, तो मिलते हैं आपको पूछता हूँ सिस्टम। तो ये देख लीजिए, ये अपना आ चुका है 14 प्रो 256 GB, अभी तो ये मतलब मैं घर पहुँच जाऊँ तो इसके बारे में आपको बताता हूँ क्या सीन था। ये है डीप पर्पल, ठीक है जी, और है 256 GB। अब इसका ये सीन है, इसकी बैटरी वैटरी चेक, बैटरी वैटरी चेक किया करनी है इसकी, सो ही मिलेगी, सो नया फ़ोन है ना, तो इसका ये सीन है कि भाई अब इंडिया में ये पड़ रहा था 1,30,000 रुपये का, ठीक है, तो दुबई गया हुआ था कटा रिया अली सर भाई, अरे तो मैंने उनको बोला था भाई मेरे को एक फ़ोन चाहिएगा तो तुम बता देना, तो उस दिन भाई ने बताया ठीक है मैं पूछ के आता हूँ, तो वो दुकान पे गए थे भी एक फ़ोन होता तो पूछा था, तब पड़ रहा था 1,02,000 रुपये का तब, बट तब उन पर कुछ क्रेडिट कार्ड या सिस्टम ये चीज़ नहीं था कि क्रेडिट कार्ड से हम उनके क्रेडिट कार्ड चल नहीं रहा था, कैश चाहिए था, तो उन्होंने किसी का जुगाड़ किया इसलिए उस दिन नहीं लिया, अगले दिन 2-4 दिन बाद पड़ा, तो फिर उसके बाद ये महंगा हो गया वहाँ पर, फिर अभी पड़ा है हमको 1,09,000 रुपये का, देख लो कितना पड़ गया, दो अगर उस दिन लेते तो 1,02,000 का पड़ जाता भाई, ये क्या हो गया, वो लाइट ख़राब हो गई थी तो इसलिए थोड़ा मैं पता नहीं क्या हो गया, ठीक है गाइस तो ये बात थी, फिर हमने मंगाया 1,09,000 का पड़ा अभी, तो फिर भी मतलब बहुत डिस्काउंट, मतलब बहुत डिस्काउंट मिल गया इंडिया के हिसाब से 130 का, और अब 1,09,000 का, कितना तगड़ा फ़ोन लग रहा है भाई, देखना मज़ा आ गया भाई फ़ोन देख के। और उसके बाद भी फिर कोई चीज़ होती है, कोई टैक्स वैक्स कटता है क्या, मतलब मैंने 1,00,000 मतलब थोड़े फालतू दिए थे, उसके बाद वो रिफ़ंड होते हैं एयरपोर्ट पर, तो ये रिफ़ंड वाले पैसे जो कटाने दिए थे मेरे को वो ये रहा, लीड ये मिली है, मतलब अडप्टर वडप्टर तो वो है हमारे पास, वैसे केबल केबल मिली है, और डिब्बा नहीं मिला, डिब्बा तो अब रूल चेंज हो गया दुबई में, पहले ये था कोई दिक्कत नहीं थी डिब्बे डिब्बे की, बट अब रूल चेंज हो चुका है कि भाई डिब्बे डिब्बा नहीं आ सकते, बहुत बड़ी हो सकता है ये, मैं चल कोई दिक्कत ना हो। अब आपको बिल दिखा दूँ कि भाई कितने गर्म का बैठा है, 1,07,000 दिए मैंने वैसे, अब एक मिनट और देखो ये पड़ा है 4725 वहाँ के हिसाब से, ठीक है जी, ये इतने का पड़ा है, मतलब 1,07,000 कुछ का पड़ा है, और वैसे 1,09,000 रुपये का बैठा है हमारे लिए, क्योंकि
हमारा टैक्स वैक्स करके सिस्टम पता नहीं क्या क्या सीन हुआ था, अपने 1,09,000 का बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं, 1:30 से 1,09,000 सही है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ अपना फ़ोन का सीन था जो भी आपको सामने है, देख लीजिए मज़ा आ गया भैया फ़ोन में, मज़ा आ रहा है। तो जिसको ये मिलने वाला है ना आपको थोड़ी देर में बता दूंगा मैं आपको, वो भाई आने वाला है तो जो भी सीन रहेगा आपको सारा सीन बताएंगे प्रॉपर। तो वैसे फ़ोन के बारे में मैंने सब कुछ अपडेट आपको बता दी थी कि फ़ोन मैंने इसलिए मंगाया था ये चीज़ थी, और जो लेगा भाई अपना भाई वो दिखा देंगे आपको थोड़ी देर में, जब भाई को देंगे फ़ोन, हम पर डिब्बा तो है नहीं बट ये चीज़ है, ठीक है। इस थोड़ी देर में मिलते हैं हम आपको जब वो भाई आ जाएगा। तुषार भाई जा रहे हैं, तुषार भाई क्या हाल है? थैंक यू भाई। तुषार भाई के लिए फ़ोन, तो भाई ये भाई जी अपने जिन भाई के लिए मैंने फ़ोन, जिन भाई के अरे थैंक यू, भाई के लिए फ़ोन मंगाया था मैंने, अपने लिए नहीं मंगाया था, भाई का फ़ोन आया था कि भाई दुबई से फ़ोन मंगाना है, मैं कोई दिक्कत ही नहीं, हम फ़ोन मंगा देंगे, बड़ी बात है फ़ोन की। तो भाई ने फ़ोन दे दिया भाई, ठीक है, ठीक है ब्रो, ठीक है आराम से यहीं टलिप करवा लियो, ठीक है, ओके भाई। तो भाई तुषार भाई को फ़ोन चाहिए था, वो फ़ोन इसलिए चाहिए था क्योंकि भाई के इनके पापा का जन्मदिन है कल 5 को, तो इनको 12 बजे गिफ्ट करेंगे, फ़ोन दे दिया मैंने, बिल बिल सब कुछ जो पेमेंट बची थी सब कुछ दे दिया इनको, ठीक है भाई। तो ये सारा सीन था इसलिए मैंने आपको बताया था कि फ़ोन ही है, मेरे को फ़ोन अभी नीड नहीं है, जब मेरे को फ़ोन की नीड होगी तब लूँगा, क्योंकि मेरे फ़ोन अभी बिल्कुल नया है, कोई मेरे को जरूरत नहीं, अगर फ़ोन लूँगा मैं ले सकता हूँ कभी भी, वो आपको अपडेट बता दूँगा। तो आपको इस व्लॉग अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना है, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बहुत कुछ सरप्राइज बचा है आपके लिए, वो चीज़ आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ, ठीक है भाई, चलो।